गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने आपके पिछले वीडियो में आपका जो बीए सेकंड ईयर का आर्थिक भूगोल है उसमें हमने आर्थिक भूगोल का क्षेत्र संकल्पनाएँ, उसकी उपागम विधियाँ यह सब हमने पढ़ ली थी। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है आर्थिक क्रियाएँ। आज हम आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, आदिकाल में जो मानव था वह मानव अनेक क्रियाएं करता था। वह जंगलों में निवास करता था, उसका कार्य था कि वह जंगलों से लकड़ी एकत्रित करता था, भोजन संग्रहण करता था, आखेट करता था, पशुओं का जो शिकार करता था और उससे पशुओं के शिकार से जो कच्चा मांस मिलता था उसी को खाता था। इस प्रकार से आदिकाल में तो मानव का जो क्रियाएँ वो सीमित थी, वह केवल अपने भरण पोषण के लिए ही क्रियाएँ करता था। फिर आगे आगे जैसे जैसे मानव का विकास होता गया, मानव को अनेक आवश्यकताओं की अनेक चीज़ों की आवश्यकताएं उसको महसूस होने लगी, तो मानव ने क्या किया, फिर अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ अन्य कार्य भी शुरू किया। तो उसने कृषि कार्य शुरू किया, जिसको उस कृषि कार्य करने से उसको अनेक फसलें मतलब उत्पादित हुई, जैसे चावल है, गेहूँ है आदि फसलें उसको उत्पादित हुई। उसने पशुपालन किया, पशुपालन के कार्य से उसको अनेक आर्थिक लाभ भी उसको होने लगा। इस प्रकार से मानव ने जो जीवन यापन के लिए न करके कुछ अपना आर्थिक लाभ करने के लिए जो क्रियाएं की, उन्हीं क्रियाओं को हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो देखिए, हम देखते हैं सबसे पहले कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। तो इनका उद्देश्य है इन जो मानव के द्वारा आर्थिक लाभ के उद्देश्य से जो क्रियाएं की जाती है, उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। इस प्रकार से इनका शाब्दिक अर्थ है आर्थिक क्रियाओं का कि मानव के द्वारा कुछ आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से जो भी क्रियाएं की जाती है उन्हें सभी क्रियाओं को हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, फिर हमने इस मानव की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उन आर्थिक क्रियाओं को कुछ भागों में बांटा है। तो हम देखते हैं कि आर्थिक क्रियाओं को 5 भागों में बांटा गया है। पहली है प्राथमिक क्रिया, दूसरी है द्वितीय क्रिया, तीसरी है तृतीय क्रियाएं, अगली है चतुर्थ क्रिया, फिर अगली है पंचम क्रिया। इस प्रकार से हमने मानव के द्वारा की गई आर्थिक क्रियाओं को 5 भागों में बांटा है, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, चतुर्थ क्रियाएं और पंचम क्रियाएं। हम सबसे पहले प्राथमिक क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो प्राथमिक क्रियाएं हैं इनका संबंध किससे है कच्चे माल से। मतलब वो सभी आर्थिक क्रियाएं जो कच्चे माल पर आधारित है, जैसे आखेट है, ठीक है, भोजन संग्रहण है, खनन है, कृषि है, पशुपालन है, इन सभी का संबंध है प्राथमिक क्रिया कच्चे माल से। तो देखिए, इनमें हम प्राथमिक क्रियाओं में हम देखते हैं तो कौन सा है, आखेट है, पशुपालन है, कृषि है, खनन कार्य, मत्स्य पालन
इस प्रकार से ये सभी आर्थिक क्रियाएं कच्चे माल पर आधारित हैं। कौन कौन सी हैं? आखेट है, पशुपालन है, कृषि कार्य है, खनन कार्य है, मत्स्य पालन है। ये सभी जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनको कहते हैं हम प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है, आगे हम देखते हैं द्वितीयक क्रियाएं। द्वितीयक क्रियाएं तो देखिए वे सभी आर्थिक क्रियाएं जिनका जो आधारित है, जो आधारित है प्राथमिक क्रियाओं पर, उन सभी आर्थिक क्रियाओं को हम कहते हैं द्वितीयक क्रियाएं। द्वितीयक क्रिया में सम्मिलित है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग, अब देखिए उद्योग किस प्रकार से संबंधित है प्राथमिक क्रियाओं से। जैसे देखिए अपना कपड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, तो कपड़ा उद्योग विकसित करने के लिए हमें सबसे पहले कच्चे माल की आवश्यकता होती है। और कच्चे माल में हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? कपास की। किसकी? कपास की। और कपास हमें कहाँ से मिलता है? कृषि कार्य से। ठीक है, कृषि कार्य से। इस प्रकार से कपड़ा उद्योग का सीधा संबंध किससे हो गया? कृषि कार्य से। फिर आगे हम देखते हैं लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग, तो देखिए लोहा इस्पात उद्योग स्थापित करने के लिए भी हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है। और जो कच्चा लोहा है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? खानों से प्राप्त होता है। तो लोहा इस्पात उद्योग प्रारंभ करने के लिए हमें जो खनन कार्य है, इससे इसका सीधा संबंध स्थापित हो गया। ठीक है, इस प्रकार से वो सभी क्रियाएँ या फिर वो सभी आर्थिक क्रियाएँ जिनका सीधा संबंध है प्राथमिक क्रियाओं से, उनको बोलते हैं हम द्वितीयक क्रियाएं। और इनका जो इनमें जो सम्मिलित है वो कौन है? सभी विनिर्माण उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है, कागज उद्योग है, ठीक है, एल्यूमिनियम उद्योग है, सभी जो उद्योग, इन सभी उद्योगों का संबंध है प्राथमिक क्रियाओं से। और इन सभी को बोलते हैं अपन विनिर्माण उद्योग। मतलब कच्चे माल से तैयार माल फैक्ट्रियों में जो तैयार माल किया जाता है उसी को हम बोलते हैं विनिर्माण उद्योग। और इनका संबंध है द्वितीयक क्रियाओं से। आगे हम चलते हैं, देखते हैं तृतीयक क्रियाएं। तृतीय क्रियाएं में हम सम्मिलित करते हैं सभी सेवाओं को। सभी सेवाओं को हम इसमें सम्मिलित करते हैं सेवाओं। फिर अगर हम देखें तो वो सभी आर्थिक क्रियाएं जिनका संबंध किससे है? द्वितीय क्रियाओं से। कैसे? जैसे देखिए परिवहन है, ठीक है, व्यापार है, बैंकिंग है, ये सभी जो सेवाएं हैं उन सभी सेवाओं को हम रखते हैं तृतीय क्रियाओं में। और अगर हम संबंध की बात करें तो तृतीय क्रियाओं का संबंध द्वितीय क्रियाओं से किस प्रकार से है वो हम देखते हैं। जैसे परिवहन है, अब देखिए लोहा इस्पात उद्योग है या फिर कपड़ा उद्योग है, हमने फैक्ट्रियों में ये माल तैयार कर लिया, उस तैयार माल को बाजार तक पहुँचाने के लिए हमें सबसे अधिक आवश्यकता होती है, वो किसकी होती है? परिवहन की। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इससे संबंधित हो गया। ये प्राथमिक क्रियाएं द्वितीय क्रियाएँ हैं और ये तृतीय क्रियाएँ हैं। हमने कपड़ा किसी भी उद्योग में कोई माल तैयार किया, उस तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए हमें परिवहन की आवश्यकता हुई, इस प्रकार से परिवहन का और उस उद्योग का संबंध स्थापित हो गया। इस प्रकार से ये वो क्रियाएं जो सीधे तौर से द्वितीयक क्रियाओं से संबंधित होती है और उन सभी सेवाओं को हम रखते हैं तृतीयक क्रियाओं में। ठीक है, आगे हम देखते हैं चतुर्थ क्रिया। तो इसमें हम देखिए जो सभी प्रशिक्षित व्यक्ति, प्रशिक्षित समाज, प्रशिक्षित समूह, समाज का एक समूह है जो प्रशिक्षित है, उस प्रशिक्षित समाज को, समूह को हम रखते हैं चतुर्थ क्रिया में। उसके द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती है वो चतुर्थ क्रियाओं में होती है। जैसे देखिए अध्यापक हैं, अध्यापक हैं, डॉक्टर हैं, अध्यापक है, डॉक्टर है, ये क्या है? प्रशिक्षित है। और इनके द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती है उन सभी क्रियाओं को हम रखते हैं चतुर्थ क्रिया में। आगे हम देखते हैं पंचम क्रिया। तो देखिए पंचम क्रिया में जो अनुभवी समूह है, व्यक्तियों का जो अनुभवी समूह है, अनुभवी जो व्यक्ति है उनके जो परामर्श के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, जो भी क्रियाएं की जाती है, उन सभी क्रियाओं को हम रखते हैं पंचम क्रियाओं में। जैसे देखिए जो बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं, ठीक है,
अब वैज्ञानिकों के द्वारा जो भी अनुभवी एक प्रशिक्षित समूह है, अनुभवी समूह के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, जैसे वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिक है, इसके अलावा हम देखें नीति निर्धारक मतलब जो नीतियों का निर्धारण करता है, जो किसी भी देश के विकास के लिए जिन नीतियों का निर्धारण किया जाता है, जो नीति भी जिन नीतियों का निर्धारण जिस व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है और जिस अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, उसकी जो भी क्रियाएं होती हैं, उन सभी क्रियाओं को हम रखते हैं पंचम क्रियाओं में, ठीक है। इस प्रकार से हम देखते हैं तो अनुभवी व्यक्तियों के परामर्श के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती है, उन सभी क्रियाओं को हम रखते हैं पंचम क्रियाओं में। फिर जो भी प्रशिक्षित समूह है, जैसे अध्यापक है, डॉक्टर है, इनके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, उनको हम रखते हैं चतुर्थ क्रियाओं में। फिर हम देखते हैं जो सेवाएं हैं, जैसे परिवहन है, व्यापार है, बैंकिंग है, इनके द्वारा जो कार्य किया जाता है, उनको हम रखते हैं तृतीय क्रियाओं में। और फिर जो विनिर्माण उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, लोहा उद्योग है, एल्यूमिनियम उद्योग है, कागज उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, उन सभी को उद्योगों को हम रखते हैं द्वितीय क्रियाओं में। और प्राथमिक क्रियाएं वो है जो कच्चे माल पर आधारित है, खेत, पशुपालन, कृषि कार्य, ठीक है, मत्स्य उद्योग, खनन कार्य, इन सभी क्रियाओं को हम रखते हैं प्राथमिक क्रियाओं में। इस प्रकार से हमने आज जो सभी आर्थिक क्रियाएं हैं, उन सभी आर्थिक क्रियाओं के बारे में हमने देख लिया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे इन सभी आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।